देखिए धर्म क्या होता है, प्रश्न है भाई धर्म क्या होता है। धर्म वो चीज़ है जो कि आपका जो आपके स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट है, उसको बोलते हैं धर्म। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, अलग कर सकते हैं उसे, चीनी यहाँ पड़ी मिठास यहाँ पड़ी है। अग्नि का धर्म है ऊष्मा, उसका धर्म है, अलग कर सकते हैं आग यहाँ पड़ी है और गर्मी यहाँ पड़ी है, नहीं, उसका धर्म है। सो दैट विच इज़ आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आर एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं हमारा धर्म। अब जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये बदल जाते हैं। पहले वो क्रिश्चियन था वो हिंदू हो गया, वो हिंदू था वो मुसलमान हो गया, वो मुसलमान था वो क्रिश्चियन हो गया, ये तो धर्म बदल गया इनका। इन धर्म की डेफिनेशन क्या है? जो आपके स्वभाव का वो हिस्सा है जो कि बदल नहीं सकता। तो इसलिए हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा। हम सबका धर्म क्या है? सेवा। और देखो सेवा से किए बिना हम लोग नहीं रह सकते, सेवा हम लोग करेंगे ही करेंगे। कुत्ते बिल्लियों की सेवा करें बाहर, ये लोग घूम रहे हैं कुत्ते बिल्लियों के लिए, कहते हैं इसकी सेवा करेंगे हम, उसी सेवा। कुछ लोग देश की सेवा करते हैं, कुछ लोग घर परिवार की सेवा करते हैं, और किसी की नहीं सेवा करेंगे तो अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। लेकिन सेवा किए बिना हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा जो है हमारा धर्म है, सबका धर्म, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नहीं, सबका धर्म क्या है? सेवा। सेवा के बिना हम नहीं रह सकते, तो सेवा हमें करनी चाहिए। अफकोर्स कुछ लोग सेवा करते हैं मतलब के लिए भी करते हैं, स्वार्थ भी होता है उसके पीछे, लेकिन वो एक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो जो एक्टिविटी करने से हमारे अंदर हमारा सत्व बढ़ता है, वास्तव में हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ता है। मान लो अगर आपको टापू पर अकेला छोड़ दिया जाए, क्या लो जी खाओ पियो, आपके लिए 56 भोग रखे हैं यहाँ पर, 56 क्या 5600 भोग रखे हैं, आप कुछ समय खा लोगे, लेकिन कुछ समय बाद ना आपको फ्रस्ट्रेशन हो, कहते हैं मुझे यार कोई बंदा दिखा दो यार जिससे मैं कुछ बात कर सकूं। पर ऊपर से आवाज़ आएगी, बिग बॉस चाहते हैं कि आप टापू पे इसी तरह से अकेले पड़े रहें, और मैं एक मशीन हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन हूँ मैं, और मैं सिर्फ यही बात करूँगा बस आपसे, गेट लॉस्ट, खाओ पियो, दफा हो। तो आप भी ले वही पत्थर लेके बिग बॉस पे मारोगे पत्थर उसको, राइट? तो इसीलिए वहाँ से रेसिप्रोकेट करना, सेवा करना, ये हमारा स्वभाव है। तो ये आत्मा, ये हमारा धर्म है वास्तव में, ये हमारा वास्तविक धर्म है सेवा। और अल्टीमेटली सेवा किसी करनी होती है? यस, मानव सेवा, राइट? मानव की सेवा करना, माधव की सेवा करना। मैंने बोला मानव की सेवा करना, हाँ यहाँ हाँ हाँ, माधव की सेवा करना ये जरूरी है। और मानव को माधव के नजदीक लेकर क्या ना, ये तो नंबर वन सेवा है, राइट? तो इस प्रकार से हमको सेवा करनी चाहिए। तो सेवा हमारा धर्म है वास्तव में, सेवा के बिना हम लोग नहीं रह सकते। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिचुअल्स, दे कैन बी हिंदू रिचुअल और इस्लामिक रिचुअल और क्रिश्चियन रिचुअल, ये रिचुअल्स अलग अलग हैं सब धर्मों में, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है सेवा करना। सेवा का मतलब, और इसी सेवा का ही मतलब भज, भजते माम अनन्य भाग, राइट? तो भज, भज का मतलब क्या होता है? सेवा। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, नंबर वन डिवोटी कौन है, जो नंबर वन योगी कौन है, जो डिवोटी है, योगी ना अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है कैसे श्रद्धापूर्वक, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, सब एक तमाम बता, राइट? तो इसीलिए सेवा जो है भगवान को भी बड़ी प्रिय है, और सेवा के बिना हम लोग रह भी नहीं सकते। ये हमारा है एक्चुअल